अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है, स्पेन के एक शहर वलेंसिया में हर मार्च एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम फाइया है, लास फाइयास। ये इस बार 2 सालों के बाद हो रहा है क्योंकि कोविड आ गया था। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी वीडियो में, ये सारी पिक्चर्स, हर चीज़, जितने भी अभी तक फाइया हुआ, जितना भी वलेंसिया में हुआ, ये 1983 से हो रहा है और अभी 2022 है। तो जितना भी आज तक हुआ, जितनी बार भी हुआ, उसके सारे फेमस स्टैचूज और जो लड़कियां बनी इनकी फैयराज, उन सब की पिक्चर्स हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आप आगे देखते जाएंगे, साथ ही मैं आपको इसकी और हिस्ट्री के बारे में बताती जाऊँ। फाइया असल में कहते हैं किसको है? फाइया कहते हैं ये जो इन्होंने स्टैचूज बनाए हुए हैं, ये इनको फाइया बोलते हैं। हर साल मार्च के महीने में, 1 मार्च से 19 मार्च तक, ये लोग फाइया मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग फाइया की शक्ल में, फाइया मनाकर बहार को सेलिब्रेट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। कल से 1 मार्च से ये हर रोज़ फायरवर्क किया करेंगे 19 मार्च तक। इनका जो मेन सेंटर है अयुंता मिंतो, प्लासा दे अयुंता मिंतो, उधर हर रोज़ दोपहर 2 बजे फायरवर्क हुआ करेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और फॉरनर्स बहुत देखने आते हैं, दुनिया के हर कोने से लोग देखने आते हैं। फाइयास बहुत फेमस है वेलेंसिया में, और हर मोहल्ले में एक बड़ा स्टैचू इन्होंने बनाया होता है फाइया, और सब मिलकर स्ट्रीट पर वो फायरवर्क करते हैं। फाइया के दौरान ये लोग सड़कों पे म्यूज़िक बजाते हैं, परेड्स करते हैं, और हर रोज़ ये लोग डेली बेसिस पे फायर क्रैकर्स करेंगे, चलाएंगे, और ये लोग सिटी को प्यारा बनाते हैं, फूल देते हैं। ये जो फैयरा है, जो लड़कियां हैं अभी, जो आपको आगे उनके कपड़े भी नज़र आएंगे, ये जितने भी अभी तक कपड़े हैं, फेमस फेमस जो फैयराज थी, ये उनके सारे कपड़े लगे हुए हैं। फैयराज के बगैर फाइया इनकम्प्लीट है। ये लोग बहुत मेन रोल प्ले करती हैं। हर साल ये लोग अपने में से कोई भी, मतलब दो लड़कियां ज़रूर फैयरा मेन बनती हैं, जिनकी आपको इधर पिक्चर्स नज़र भी आ रही होंगी। और जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, ये जो बुत बने हुए हैं, इनको फाइया बोलते हैं। ये लोग हर साल बनाते हैं और इनको जला देते हैं, 19 मार्च को इनको जला देंगे। ये आपको पूरे वलेंसिया में हर स्ट्रीट पे, हर मोहल्ले में ये छोटे बड़े बुत हर जगह नज़र आएंगे, पूरे वलेंसिया में। ये इसको खूबसूरती के लिए बनाते हैं, और आपको हर जगह फियेराज नज़र आएंगी, हाथों में फूल लिए हुए, लोग सड़कों पे म्यूज़िक बजा रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे। फाइया फेस्टिवल है आग का, फाइया मीन्स टॉर्च। हर साल हज़ारों की तादाद में ये लोग प्लासा दे बेरखेन में फूल फूल लगाते हैं। ये लोग हज़रत मरियम का बुत बनाते हैं, उसके अंदर ये सारी फियेराज जाकर 19 मार्च को फूल लगाती हैं हज़ारों की तादाद में, और 19 मार्च को ये लोग अपने सारे बुत जलाते हैं। सबसे पहले ये लोग छोटे बुत जलाते हैं 9 बजे रात को, उसके बाद ये लोग 11 बजे सारे बड़े बुत जलाते हैं, और ये लोग रोते भी हैं बुत जलाते हुए। हर साल फाइया देखने के लिए मोर देन मिलियन टूरिस्ट आते हैं। साल ये लोग तकरीबन 400 बुत बनाते हैं, और ये दोपहर 12 से 2 बजे के दौरान फायर क्रैक करते हैं, फायर क्रैकर्स बजाते हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा। इन क्रैकर्स की इतनी आवाज़ होती है कि बिल्डिंग्स शेक करना स्टार्ट हो जाती हैं। बात आप वीडियो में जो ये फियेराज के कपड़े देख रहे हैं, ये इतने ज़्यादा महंगे बनते हैं कि कपड़ों की कीमत 2000 यूरो से स्टार्ट होती है और 12000 यूरो तक आप लोग बनवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसा कोई चाहे, और फैयरा कोई भी बन सकता है। और 17 मार्च इन लोगों का दिन होता है, दोना ला बेरहेन दे लोस दे साम पर दोस। इस दिन, ये 17 मार्च का दिन, ये लोग स्टार्ट कर देते हैं प्लासा दे बेरहेन में फूल लगाना, जो इन्होंने बुत बनाया होता है हज़रत मरियम का, उसके अंदर ये फूल लगाते हैं ग्रुप्स की सूरत में, जा जाकर हर फियेरा, हर मतलब
हर मोहल्ले की जो फेयरा होती है वो जाकर, उनका कोई ग्रुप होता है और वो सारे मिलकर उसके अंदर फूल लगाते हैं। और ये 19 मार्च तक, फाइया के आखिरी दिन तक ये चलता रहता है। 19 मार्च फाइया का आखिरी दिन, इन लोगों को सबसे, इनके लिए सबसे खूबसूरत दिन होता है और सबसे दुखी दिन होता है। उस दिन ये लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उस दिन इन लोगों ने जितने भी इन्होंने बुत बनाए होते हैं, फाइये बनाए होते हैं, वो सारे इन लोगों ने जला देने होते हैं। ये लोग शुरू हो जाते हैं रात 9 बजे से। सबसे पहले ये रात 9 बजे छोटे बुत जलाते हैं जिसमें छोटी फ़ैयरा आकर रोती हैं कि अब हम लोग सब अलग हो जाएंगे, इसलिए ये लोग रोते हैं। आज तक मेरा नहीं ख्याल किसी को भी पता कि ये लोग रोते क्यों हैं। ये रोते इसलिए हैं क्योंकि 19 मार्च को फाइये का आखिरी दिन होता है और वो इसलिए रोते हैं कि आज हम लोग सब अलग हो जाएंगे। फिर रात 12 बजे ये बड़े बुत जलाते हैं सारे। हर वलंसिया के हर कोने में छोटे बड़े बुत पड़े होते हैं और सबसे एंड पर ये प्लासा द अयुंतामिंतो, वलंसिया के मेन सेंटर का जो बुत होता है सबसे बड़ा, उसको 1 बजे जलाते हैं। और हर साल 19 मार्च को जिस दिन ये बुत जलाते हैं, उस दिन जब से ये बुत जलाना स्टार्ट करते हैं, बारिश हर साल होती है। हर साल उस दिन बारिश होना स्टार्ट हो जाती है जब से ये बुत जलाना शुरू करते हैं। और जब ये लोग बुत जलाते हैं तो उसके अंदर भी इन लोगों ने फायर क्रैकर्स ऐड किए होते हैं। जैसे जैसे बुत जलता है वैसे वैसे ऊंची ऊंची पटाखे चलते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे फायर क्रैकर्स होते हैं। और हर बुत के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा फायरमैन्स खड़े होते हैं। फायरमैन इसलिए खड़े होते हैं ताकि कोई किसी के घर में या किसी दरख्त वगैरह को आग ना लग जाए। और ऐसे ही लास फाइयास ख़त्म हो जाता है। अगर किसी ने भी वलंसिया विज़िट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम जो है वो मार्च का महीना है विज़िट करने के लिए, क्योंकि इस महीने में इधर सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो फेस्टिवल है लास फाइयास वो हो रहा होता है। उम्मीद है मैंने सारी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री जो भी इसके बारे में है, जो भी इसके बारे में है, मैंने सारी आप लोगों को बता दी है। अभी बाकी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें अभी तक जितने भी फाइयास हुए हैं उसके मेन मेन सारे बुत उन्होंने बनाए हुए हैं, बड़े छोटे, जो प्लासा युन्तामिन्तो में था जो, और स्ट्रीट्स में जिस जिस मोहल्ले में कोने में जो बहुत फेमस फेमस है वो सारे इन्होंने दिखाए हुए हैं। अभी आप लोग ये इन्जॉय करें। और जैसे कि अभी मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता जो जो इधर मेन मेन चीज़ें होंगी वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी और साथ बताती जाऊंगी कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। बहुत शुक्रिया। Take you higher.